नमस्कार, मैं हूं आशीष जाबी और आज आपके लिए खबर न्यूज लेकर आया है पीथमपुर की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात की कहानी, एक ऐसा अंधा कत्ल जिसे देखकर ये कह पाना बेहद मुश्किल था कि पुलिस इस वारदात की गुत्थी को आसानी से सुलझा पाएगी। पीथमपुर की मनमानी कॉलोनी में 25 अगस्त 2020 को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बंद कमरे में एक लाश पड़ी है जिससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है और थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह चढ़ार मौके का मुआयना करते हैं। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है, फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए जाते हैं। जो शव बुरी तरह डिकम्पोज हो चुका था जिससे भयानक बू आ रही थी, उसे घटनास्थल से उठाकर विधिवत पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पीथमपुर पुलिस को इंतजार था तो सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का, जिससे यह पता लगाया जा सके कि हत्या है या फिर आत्महत्या। रिपोर्ट आते ही पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेंद्र सिंह बघेल व थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह चढ़ार को निर्देश देकर कार्रवाई हेतु लगाया गया। अब पुलिस टीम लगातार अपराधी तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल व मुखबिर तंत्र का उपयोग कर इन्वेस्टिगेशन का कार्य शुरू कर चुकी थी। मकान मालिक इकरार से एक शिवम नाम का आधार कार्ड मिला जो मकान मालिक ने मकान किराए पर देते हुए लिया था, जो प्रथम दृष्टया फर्जी होना पाया गया। पूछताछ में मकान मालिक ने बताया कि जो व्यक्ति किराए का कमरा लेने आया था तब उसने मोबाइल नंबर भी दिया था। पुलिस द्वारा उस मोबाइल नंबर के आधार पर छोटू पिता सुमन चौधरी निवासी ग्राम मनकोर जिला पन्ना को पकड़ लिया गया, जिसने पूछताछ में बताया कि इंदिरा उर्फ रूबी निवासी जरगुआ थाना रेपुरा जिला पन्ना से उसने भाग कर शादी की थी तथा अपनी पत्नी इंदिरा एक साल की बच्ची के साथ पीथमपुर के साहबराव मराठा के मकान में किराए से रहे 19 अगस्त को मनमानी कॉलोनी में किराए के मकान में रहने चले गए थे। मैंने वहां मेरे बड़े भाई प्रशांती पिता सुखमन चौधरी व उसकी पत्नी दीपिका निवासी ग्राम मनकोरा जिला पन्ना, हम तीनों ने मिलकर 20 अगस्त को मेरी पत्नी का गला घोटकर उसे मार दिया था। सवाल तो आपके मन में भी पैदा हो रहा होगा कि आखिर हत्या की वजह क्या थी, आखिर क्यों एक पिता ने अपनी बच्ची से उसकी मां को छीन लिया। चलिए अब इस कहानी पे से भी पर्दा उठा देते हैं। एक कलयुगी बाप जिसने अपनी मासूम बेटी को अपने भाई व उसकी पत्नी के साथ मिलकर महज 2 लाख रुपए में बेचने का सौदा तैयार किया। जब इस बात का विरोध उसकी मां करने लगी तो इन तीनों ने मिलकर मासूम बेटी की मां इंदिरा की गला घोटकर हत्या कर दी। वहीं बाप के साथ 4 अन्य लोगों ने मिलकर बच्ची को बिकवाने का एक नया प्लान तैयार किया, जिसमें राधा भाई पति प्रताप सिंह जो कि न्यू गौरीनगर इंदौर की निवासी थी, सागर भाई पति रूप नारायण इंदौर के बालाजी विहार कॉलोनी की निवासी, मीना पति महेश गौरव लसूड़िया इंदौर की निवासी है, वहीं मान कुंवर पति अंतर सिंह गणेश कॉलोनी राव इंदौर की निवासी है, तो वहीं मिथुन पिता अंतर सिंह सदर का निवासी है। इन सभी ने मिलकर 2 लाख में बच्ची को बेचने का प्लान बनाया। तो वहीं 5 व्यक्तियों से दंपति सिकंदर पिता गोरीलाल पोद्दार एवं उसकी पत्नी पूनम पति सिकंदर पोद्दार ने 2 लाख में खरीदा था, जिसमें से 1,80,000 दंपति ने दिए थे। वहीं प्राप्त रुपयों में से 1 लाख तीनों बेचने वाले तथा 80,000 बाकी 5 दलालों ने रख लिए। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 महिला एवं 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अभी भी पूछताछ जारी है, जहां मानव तस्करी के और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इस पूरे मामले में नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर तरुणेंद्र सिंह बघेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी पीथमपुर चंद्रभान सिंह चढ़ार, उपनिरीक्षक हिना जोशी, सहायक उपनिरीक्षक बालकृष्ण मिश्रा, आरक्षक सूरज तिवारी, आरक्षक महेश यादव, आरक्षक लोकेश शुक्ला एवं साइबर सेल धार की टीम गठित की गई, जिन्होंने मात्र 4 दिन में मामले का पर्दाफाश किया। वहीं पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर न्यूज। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह की और भी तरोताजा और अपराध से जुड़ी खबरों के लिए मैं आशीष डाबी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक अपने घरों में सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।